हम बनाएंगे ऐसा स्पॉन्जी और जालीदार ढोकला। हेलो फ्रेंड्स, तन्वीस क्रिएटिव किचन में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ दो तरह के इंस्टेंट ढोकले। सबसे पहले सिखाऊंगी खमन ढोकले और बहुत ही कम समय में बन जाता है, और दूसरा सिखाऊंगी सूजी के ढोकले, वो भी बहुत अच्छे और स्पॉन्जी सिखाऊंगी। और इसके साथ साथ मैं पूरी ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। हम बनाएंगे ऐसा स्पॉन्जी और जालीदार ढोकला। सबसे पहले खमन ढोकले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन, और बेसन को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। बेसन को छानना बहुत जरूरी है, ताकि बेसन में कभी कभी लम्प्स रह जाता है, तो ढोकले में हमें लम्प्स ना पड़े, इसकी खास हमें ख्याल रखना है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अगर आपके पास ऐसा नाप वाला कोई कप नहीं है, तो आप कोई भी बोल या कटोरी सेट करके ऐसे बेसन ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून ऑयल, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बैटर हमें बहुत पतला नहीं बनाना है, जब बन जाएगा तब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। 2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से फेंटना है। 2 मिनट के लिए हमने फेंट लिया है, और आप कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसी तरह अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस, मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, कई लोग इसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड नहीं डालते हैं। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है, तो आप खट्टा दही भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खट्टा दही यूज़ करते हैं, तो 1/4 कप दही इसमें डालें, और फिर बाद में पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें। अब इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून इनो, ये प्लेन वाला इनो है, तो 1/2 टेबल स्पून हम डालते हैं, और इसके ऊपर हम डालेंगे करीबन 1/2 टेबल स्पून जितना पानी, ताकि इनो हमारा एक्टिवेट हो जाए। इनो डालने के बाद हमें बहुत ज़ोर से इसे नहीं फेंटना है, कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसे मिक्स करना है, आप देख सकते हैं इसी तरह। और धीरे धीरे हमारा ये बैटर अच्छी तरह से फ्लफी होने लगा है और लाइट होने लगा है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हमें इसे मिक्स नहीं करना है, बस आप देखिए कितना हमारा ये बैटर फ्लफी और लाइट हो गया है। ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 सिलिकॉन मोल्ड, ये केक का टिन है, हम इसमें ढोकला बनाएंगे। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है, तो आप कोई भी प्लास्टिक के बोल या कांच के बोल में आप ढोकला बना सकते हैं। इसे हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, चारों ओर ऑयल लगाना है, और हमारा बैटर हम इसमें अब डाल देंगे। अब इसे हल्के हाथों से टैप कर लेंगे, और इसे ढक्कन ढककर हम 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव के हाई पावर लेवल पर रख लेंगे। अगर हम ढक्कन नहीं ढकते हैं, तो ढोकला का जो अपर लेयर है वो ड्राई हो जाता है, तो यहाँ पे आप ढक्कन ज़रूर ढकें। 3 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। वाओ, सुपर फ्रेंड्स, आप देखिए हमारा ढोकला बनकर तैयार है, और ऊपर भी कितनी अच्छी तरह से झाली आपको दिख रही होगी। तो हम इसमें फॉर्क डालकर चेक कर लेंगे कि हमारा ढोकला बनकर तैयार है कि नहीं। फॉर्क बिल्कुल क्लीन आया है, और हमारा ढोकला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ढोकला साइड में से भी निकल के आ गया है, लेकिन हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही अनमोल्ड करेंगे। तब तक हम
टेम्परिंग की तैयारी कर लेते हैं। टेम्परिंग के लिए एक माइक्रोवेव शेप बोल में मैं लूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून तल, 2 से 3 करी लीव्स, लंबी कटी हुई हरी मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और माइक्रोवेव के हाई पावर लेवल पर इसे हम 1 मिनट के लिए रख लेंगे। मेरे माइक्रोवेव का हाई पावर लेवल 900 वोल्ट का है। अगर आपका माइक्रोवेव का हाई पावर लेवल 900 वोल्ट से कम या ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लीजिए। तो इसे हम 1 मिनट के लिए हाई पावर लेवल पर रख लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना पानी। फ्रेंड्स, ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें। ये तड़का खमन ढोकले में डालने से खमन ढोकला कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और चीनी मेल्ट होने तक इसे माइक्रोवेव में गर्म करेंगे। हम 1 मिनट रखते हैं, आप 1 या 1.5 मिनट रख सकते हैं। हमारा टेम्परिंग तैयार है और ढोकला भी रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो सबसे पहले हम ढोकले को अनमोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला बनकर तैयार है। देखिए आप, फिर मैं कट करके भी आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा तड़का। और इसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं जब कट होता है तब कितना सॉफ्ट हमें दिखता है। फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा टेम्परिंग डालेंगे। एक टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी, टेम्परिंग करने के बाद आप 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दीजिए और फिर बाद में आप एंजॉय कीजिए। ऐसा होने से चीनी वाला पानी ढोकले में अंदर तक जाएगा और ज़्यादा ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाएगा। ऊपर से हम डालेंगे नारियल का बुरादा और हरा धनिया। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट सर्व कर लेंगे। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सूजी ढोकला, जिसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैं लूँगी 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सर में चला लें और फिर यूज़ करें। और इसमें डालेंगे 1 कप दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप 2 कप छाछ भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने दही फ्रेश लिया है, ये मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच जिंजर चिली पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। अगर आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। चीनी को भी मिक्स कर लेंगे और करीबन 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे। अब इसे ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि हमारी सूजी फूलकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गई है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। आप देखिए, हमारी सूजी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और फूलकर तैयार है। थोड़ा पानी डालेंगे, करीबन 2 टेबलस्पून जितना, मिक्स कर लेंगे
इसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया, आधा टेबलस्पून इनो डालेंगे, ये नॉर्मल इनो है, और इनो को एक्टिवेट करने के लिए उस पर डालेंगे करीबन एक टेबलस्पून जितना पानी। अब देखिए इनो एक्टिवेट होने लगा है और हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर बहुत ही सॉफ्ट और हल्का हो गया है। आप देखिए मैं कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब इसको हम मोल्ड में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सिलिकॉन मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसमें डालेंगे हमारा ये सूजी का बैटर। इसे टैप कर लेंगे हल्के हाथों से और ढक्कन ढककर माइक्रोवेव के हाई पावर लेवल पर हम 5 मिनट के लिए रख लेंगे। ढक्कन ढकना ज़रूरी है तो ये स्टेप आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ढोकले ने ये टीन की साइज भी छोड़ दी है और हम फॉर्क डालकर चेक कर लेंगे। फॉर्क बिल्कुल क्लीन आया है। तो सिर्फ 5 ही मिनट में हमारे सूजी के ढोकले बनकर तैयार है। इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देते हैं और फिर बाद में इसे अनमोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैंने टेम्परिंग बना लिया है, लेकिन हमने जो बेसन के ढोकले बनाए थे उसमें पानी और चीनी डाला था, तो इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि पानी डालने से सूजी का ढोकला बहुत सोगी हो जाता है और चीनी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम डालेंगे आधा टेबलस्पून नींबू का रस। नींबू का रस डालने से खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा सूजी के ढोकले में टेस्ट आता है। तो इसे मिक्स कर लेंगे और सूजी का ढोकला रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो इसे हम अनमोल्ड कर लेंगे। सुपर फ्रेंड्स, आप देखिए कितना अच्छा झालीदार और स्पॉन्जी ढोकला हमारा बनकर तैयार है। आप देखिए, तो इसके ऊपर हम टेम्परिंग लगा देंगे। हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी ढोकला हमारा बन गया है। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट सर्व कर लेंगे। तो ये दोनों तरीके के इंस्टेंट ढोकले आप घर पर बनाइए, खाइए, और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कुछ ही दिनों में ऐसी ही कुछ नई और क्रिएटिव रेसिपी लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।